सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो ऑन क्लैश ऑफ क्लैंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने बेस में 6 बिल्डर को अनलॉक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा स्टेप्स बता दूंगा जिससे आप अपने 6 बिल्डर को जल्दी से अपने बेस पे अनलॉक कर सकते हो। सो गाइस, बॉब कंट्रोल में हमें टोटल 4 टास्क कंप्लीट करना होता है। आपको इन सारे टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा 6 बिल्डर को अनलॉक करने के लिए। सो गाइस, पहले हम इधर देख लेते हैं कि हमें इधर क्या क्या टास्क दिया गया है। और आप इधर देख ही सकते हो कि मैंने इधर पहले से ही सारा टास्क को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग भी ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हो, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो गाइस, पहला टास्क है कि आपको अपने होम विलेज में 3 बिल्डिंग्स को गियर अप करना होगा। जैसे मैं आपको देता हूँ कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मेरा एक आर्चर टावर, एक कैनन और एक मोर्टार, तीनों को मैंने गियर अप करके रखा है। गियर अप करना इजी है, आपको जस्ट अपडेट करना होगा। सेकंड टास्क है कि आपको अपने बिल्डर बेस पे किसी एक ट्रूप को लेवल 18 करना होगा। आप यहाँ पर जिस ट्रूप को सबसे ज्यादा यूज करते हो आप उस ट्रूप को अपडेट कर सकते हो। और थर्ड टास्क है कि आपको अपने बिल्डर बेस में कोई एक डिफेंस को लेवल 9 तक अपडेट करना होगा। आप फायर क्रैकर को अपडेट कर सकते हो लेवल 9 तक, क्योंकि अपडेटिंग कॉस्ट और टाइम दोनों ही कम लगेगा बाकी डिफेंसेस से। और लास्ट टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। आपको बिल्डर बेस में दोनों हीरो को मिला के लेवल 45 करना होगा। ये बहुत ही इजी है करना, कैसे बता देता हूँ। बैटल कॉप्टर पहले से लेवल 15 का आता है और बैटल मशीन को तो आप अपडेट करते ही होगे। इन दोनों को मिला के आपको लेवल 45 करना है। सो मैंने इसके लिए एक बार बैटल कॉप्टर को और एक बार बैटल मशीन को ऐसे मैंने दोनों को मिला के लेवल 45 किया था। और आप लोग और एक काम कर सकते हो कि बैटल मशीन को पूरा लेवल 30 तक अपडेट कर लो। और बैटल कॉप्टर तो पहले से लेवल 15 का आता है, इससे आपका लेवल 45 कंप्लीट हो जाएगा। और आप इन दोनों को एक एक करके भी अपडेट कर सकते हो, इससे इन दोनों का लेवल बैलेंस रहेगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी कुछ वीडियोस के लिए। सो टिल नाउ स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।